यार जब से लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड शिफ्ट हुआ हो ना, बस मन यही करता है कि कहीं दूर पहाड़ों में एक घर हो और मेरे पास मेरी कार हो और उसमें बैठे मेरे पुराने सारे यार हों और कार की डिग्गी में हमारे जैक भाई का गिटार हो और ऐसे ही घूमते फिरते गाते गाते यारों की यारी में ज़िंदगी बस यूं ही गुजर जाए। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। अशोक कुमार जी जरा बताइए यहाँ पे क्या रेट है बोट वगैरह के? पैडल बोट का एक घंटे का 7 ताल का नाम 7 ताल क्यों पड़ा? अब हमारे टिंकू भाई बताएंगे कि क्यों पड़ा यहाँ का 7 ताल का नाम। 7 ताल का नाम इसलिए 7 ताल पड़ा क्योंकि वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो अभी टीनू भाई हमारे लिए आलू के पराठे बना रहे हैं गर्मा गर्म, और जैसे कि आप देखोगे किचन यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक किचन है, मस्त एकदम चूल्हा वूल्हा भी है। कल चिकन बड़ा शानदार बना था, इसलिए बनाया था ना भैया? हाँ चिकन कल इसी बहुत बढ़िया बना था यार, अमेजिंग था। तो वीडियो में बने रहे, आपको सारी डिटेलिंग पता लगेगी कि बोटिंग कैसे करनी है, क्या रेंट पड़ता है बोटिंग का। यार एक बताओ, एंट्री में हमसे पैसे लिए थे पार्किंग के, वो बाहर बाहर क्या हिसाब है उसका? कितने हमको 20 रुपए लिए थे लोकल वालों को? देखिए अगर आपकी उत्तराखंड की गाड़ी है तो आपसे 20 रुपए लेते हैं, और आपकी अगर बाहर की गाड़ी होगी यूपी साइड की तो आपको 50 रुपीज पड़ते हैं। अच्छा 50 रुपीज, हाँ फिर टैक्सी में 50 पड़ते हैं और फिर डीएल नंबर पे 100 पड़ते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट बन गया हमारा बढ़िया, ऑमलेट और पराठे, पम्मू भाई दही भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो गाइस ब्रेकफास्ट में हम कर रहे हैं आलू के पराठे और ऑमलेट, और आज का प्लान ये है कि हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। कितने बजे निकलना है बोलो भाई? 1 घंटे में। अरे अरे आराम से, आराम से भाई, आराम से। तो भाई जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग के लिए, और ये जहाँ से एंट्री होती है ना 7 ताल की, वहीं से राइट साइड को रास्ता जाता है, तो थोड़ा सा पैदल चल के अंदर जाना पड़ता है तो वहीं पे वाटरफॉल आ जाता है। तो इस वाटरफॉल का नाम है 7 ताल वाटरफॉल। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना बनता है, और अगर गर्मी का वेदर है तो आप वहाँ नहा भी सकते हो। तो फिलहाल देखेंगे वहाँ चल के कितना पानी है, उस हिसाब से कॉल ले लेंगे नहाना है नहीं नहाना है, लेकिन मज़ा ज़रूर आने वाला है। वीडियो को आप देखते रहें। तो गाइस ये जो वाटरफॉल की एंट्री है, ये देखो वहाँ बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं ना? हाँ वो बर्ड वॉचर्स हैं जो आ गए। अच्छा सो गाइस यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत सारी देखने को मिल जाती है आपको, अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो एंट्री के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है, क्या कहते हो दोस्तों? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और टीनू भाई अब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टीनू भाई हमारे साथ आने के लिए यहाँ तक यार, ये अपना कैंप साइट है इनका खुद का और यहाँ आए हमारे साथ हमको दिखाने के लिए वाटरफॉल, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अभी यहाँ बताओ जरा जगह के बारे में थोड़ा बहुत। भाई ये जो आगे दिख रहा है आपको वो सूखा लेक है। सूखा लेक, हाँ अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये बरसातों में जो है आपका पूरा ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि ये जो लेक का पानी है काफी तेजी से निकलता है, अभी मतलब कम है तो बरसातों में ज्यादा होता है तो पूरा भर जाता है लेक, तो ये बरसातों में पूरा फुल होता है। जितना आप इसका जो राउंड है पूरा सर्कल देख रहे हैं आप, जितने में पूरा सूखा हुआ उतना पूरा भरता है ये, और गर्मियों में धीरे धीरे सूखता जाता है ये। अच्छा अच्छा, मतलब ये अगर पानी को मैनेज करने के लिए है बेसिकली? हाँ ये बेसिकली इसलिए है, और मच्छी भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें फिश वगैरह नहीं है, फिशेज वगैरह भी इसमें है। अच्छा अच्छा, और सर्दियों में सूखता है बट इतना ही सूखता है कि जितना इसमें पानी रह सके और मछलियाँ रह सके, पानी भी जा भी रहा है ऐसा नहीं है। अच्छा, पानी नहीं जाएगा, ये मतलब सूखा लेक हो गया है। हाँ ये सूखा लेक हो गया। अगर आप वैसे कभी 7 ताल में आते हैं, अगर गूगल पे चेक करते हैं तो पूर्णा लेक
के नाम से लेक जानी जाती है। अच्छा, तो इसे पूर्णा लेक भी बोलते हैं। हाँ, इसको गूगल में आप अगर मैप में देखेंगे तो पूर्णा लेक। अच्छा। वैसे आप ये सूखा लेक बोल सकते हैं। तीनू भाई बता रहे थे कि यहाँ पर अगर आप जून जुलाई में आओगे ना तो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी रहती है और साथ ही साथ में बहुत सारे लीक वगैरह, लीच वगैरह भी आपके चिपक सकते हैं, तो आप नमक वगैरह लेके चलना साथ में, सैनिटाइजर वगैरह। और अभी एक चीज और है कि जैसे अगर आप इस रास्ते से आते रहोगे ना तो यहाँ पे दो रास्ते कटते हैं, एक तो ऊपर को जा रहा है और नीचे को जा रहा है। हमको नीचे को चले जाना था कैसा? हाँ, इस वाले जहाँ टीनू भाई अपना हाथ ला रहे हैं। हाँ, तो भाई कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पे? यार बोतलें बड़ी फेंक रही है लोगों ने यार, यहाँ गलत बात है। हाँ, और सभी से एक निवेदन रहेगा, कोई भी ऐसे मतलब पर्यटक प्लेस में घूमना है तो यार प्लास्टिक की बोतल कोशिश करें कि यार हम कोई अपना कूड़ा कहीं फेंके ना, बैग में रख लिया और फिर डस्टबिन में फेंक दे। छोटा सा लिखा हुआ है, मेहता जी ने थोड़ा जुगाड़ सेट कर दिया यहाँ पे ताकि लोग भटके ना। और वाटरफॉल की आवाज हमें सुनाई देने लगी हल्की हल्की, सुनाई दे रही है हल्की हल्की, थोड़ा सा नीचे जाके वाटरफॉल दिख जाएगा। बस बहुत मजा हो गया। अरे बाप रे, गंदगी कितनी कर रही है लोगों ने। तो गाइस ये है वो वाटरफॉल, हमने थोड़ा बहुत नहा धोके थोड़ा एंजॉय कर लिया यहाँ पे, काफी अच्छा लगा हमें। और तीनों भाई कह रहे हैं कि इससे नीचे भी एक और वाटरफॉल है। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे, हमने देखा कई लोगों ने यहाँ पे ना ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह डाली हुई हैं, अभी हम इन तीन बोतलों को उठा के ले जाएंगे यहाँ से। तो अगर जब भी आप आ रहे हो ऐसी जगह पे ना तो आप ऐसे प्लास्टिक की बोतलें मत फेंक के जाओ यार, आप आ रहे हो तो आओ एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन जितना कूड़ा कबाड़ा डाल रहे हो सब अपने बैग में रख के वापस ले जाओ, सबसे बेस्ट यही है। क्योंकि यार होता क्या है, ऐसे गंदगी रहती है अच्छा नहीं लगता यार। प्लीज यार ये बात का जरूर ध्यान रखना, कोई भाई इस बात का जरूर रखना। इतना ईजी है यार, और पहले तो लेकिन यहाँ पे काफी गंदगी होती है, किसका आने का मन करता। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अभी फिलहाल अब यहाँ से वापस चलते हैं धीरे धीरे, और इसके बाद ज्यादा सीधे सात देखते हैं मार्केट में। सो गाइस, सात ताल की मार्केट जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप सीधे मेन रोड से चले जाओ यहाँ से तो सीधे मार्केट में जाता है, बट आगे काफ़ी जाम रहता है, काफ़ी गाड़ियों की भसड़ रहती है। तो हम एक और रास्ता यहाँ से जा रहा है, जस्ट रोड के बगल से जाता है ये पार्क होते होते, तो हम लोग वहाँ के रास्ते जा रहे हैं, बिल्कुल ताल के बगल से है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मस्त इन्जॉय करते हुए। तो गाइस ये है सात ताल की मार्केट, अभी तो बिल्कुल खाली पड़ी है बिकॉज आज होली का दिन है और कल इतनी भीड़ थी यहाँ, इतनी भीड़ थी पाँव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं कल छुट्टी करवाया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कोविड के वजह से मुझे लगा कि यार चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, कल आराम से आएंगे जब थोड़ा कम हो जाएगा भीड़। तो अभी ये जब आप आते हो तो यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ यहाँ बोटिंग भी होती है, कयाकिंग भी होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो चलिए यहाँ से एक पुलिया है उसके थ्रू हम चलते हैं। अगर आप पहाड़ी नींबू के साथ तो गाइस यही मार्केट के बीच में एक राम मंदिर भी है, तो आप चाहो तो राम मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जरा बताइए यहाँ पर क्या रेट है बोट वगैरह के? पैडल बोट का एक घंटे का है 300 रुपए, रोइंग बोट का है 45 मिनट का 350 रुपए। अच्छा, और क्या वगैरह का? उसका भैया कयाकिंग का तो यहाँ पर बार्गेनिंग होता है, उसका फिर भी एक एवरेज रेट 200-150 रुपए भी है घंटे के हिसाब से, ना 50 रुपए भी है उसका, हम भैया कुछ नहीं कर सकते पर हेड, मतलब कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, धन्यवाद अशोक भाई। ओके भैया, तो गाइस जब भी आप सात ताल आने का प्लान करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि सात ताल का नाम सात ताल क्यों पड़ा? अब हमारे टिंकू भाई बताएंगे कि क्यों पड़ा यहाँ का सात ताल का नाम। सात ताल का नाम इसलिए सात ताल पड़ा क्योंकि यहाँ पे सात लेके हैं, जो ये पुलिया है। हाँ। पुलिया से इधर जो है वो हनुमान ताल है। हाँ। और जो उधर है राम सीता लक्ष्मण, तीन ताले कम्बाइंड है जो की पहले कुंड में हुआ करती थी अलग अलग। अच्छा, पानी बढ़ गया। अब पानी मतलब एकदम ओवरफ्लो हुआ और उनके जो कुंड है बीच के वो कटे तो वो पूरी एक लेक हो गई है। अच्छा, तो तीन कंबाइंड हो गई, एक ही पुलिया से उधर हनुमान ताल हो गई। हाँ। एक आपका सूखा ताल जिसको हम पूर्णा लेक के नाम से जानते हैं, जिस पे हम अभी थोड़ा देर पहले गए हुए थे। हाँ, हाँ, और एक आपका पड़ता है यहाँ पे गरुड़ ताल बीच में। गरुड़ ताल वो किस साइड हुआ? वो बस रोड के जस्ट थोड़ा सा नीचे, अगर अभी हम जा रहे हैं तो अभी हम गरुड़ ताल भी मिलेगा।
और एक आपका नंदवंती ताल जो कि आपको भीमताल मार्ग से आते वक्त पड़ता है। अच्छा, तो इस टोटल मिला के सात ताल हो गए। टोटल मिला इसलिए जगह का नाम सात ताल हुआ। इसलिए जगह का नाम सात ताल पड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। और काफी अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, सिकंजी पीने के बाद अब हम तीनू भाई से अलविदा ले रहे हैं। तीनू भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपकी कैंपसाइट में और काफी हेल्प करी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको भी कैंपसाइट में इनके आना है बुकिंग के लिए। तो क्या नाम था आपके उनके कैंपसाइट का? अल्पाइन सोल। अल्पाइन सोल करके सात ताल में एक नंबर। सो गाइस, हम लोग लंच करने के लिए मचान पे आए थे। हमने सोचा यहाँ लंच वंच करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, बट ये मचान जो अभी बंद है। तो अमित भाई जाएंगे अल्मोड़े की तरफ हमें। ओके, और मैं निकलूंगा हल्द्वानी की तरफ। बाय गाइस, बहुत अच्छा लगा कुलदीप भाई और अमित भाई का आने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। बिल्कुल, है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। चेक 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 चुके हैं। ओके भाई, आपको मिलने।